वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, वर्गीकरण के जनक लीनियस, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। पौधों का वर्गीकरण देख लेते हैं। पौधों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। पहला पुष्प के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर, तीसरा आयु के आधार पर। एक एक करके इन तीनों को हम समझ लेते हैं। पुष्प के आधार पर पहला जो है उसमें पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे। पुष्पी पौधों में पुष्प और फल लगते हैं। जड़, तना व पत्ती स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे गुलाब, सरसों, आम, सूरजमुखी, कुमुदनी आदि के पौधे, पुष्प पेड़। दूसरा अपुष्पी पौधे। अपुष्प में पुष्प कभी नहीं लगते। जड़, तना व पत्ती का अभाव रहता है, जैसे कवक, शैवाल, मॉस, फर्न आदि। दूसरा है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर वर्गीकरण शाख, झाड़ी और वृक्ष में होता है। शाख क्या है? 1 मीटर से कम नाप होती है, कम लंबा होता है। इनका तना कोमल, पतला तथा कमजोर होता है, जैसे मक्का, मटर, पालक आदि। दूसरा है झाड़ी। झाड़ी क्या होते हैं? 1 से 3 मीटर की ऊंचाई होती है। कठोर व मजबूत पौधे होते हैं, जैसे गुलाब, करौंदा, गुड़हल आदि। तीसरा है वृक्ष। वृक्ष में क्या होता है? ये 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। इनका तना मोटा होता है, काष्ठी होता है, शाखित या अशाखित दोनों प्रकार से हो सकता है, जैसे नीम, आम, चीड़, नारियल आदि। आयु के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। एक वर्ष के कुछ ही महीने के भीतर ही फलते फूलते हैं, जैसे चना, मटर, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार आदि। द्विवर्षीय 2 वर्ष के भीतर ही अपना चक्र पूरा कर लेते हैं, जैसे केला। बहुवर्षीय ये कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, जैसे इनमें साग भी होते हैं, झाड़ी भी होती है और वृक्ष भी होते हैं। हर तरह के पौधे शामिल होते हैं, जैसे दूब घास, गुलाब, आम, कटहल आदि।